Good morning students. Today I will teach you cursive writing strokes. So let's come on the first curve. This curve is made by me like that. आपको सर्कल करते जाना है ऐसे करके. ऐसा आपका बनता जाएगा. इससे ना विदाउट पेन को या पेंसिल को उठाए आपको कर्व बनाना है. आपको अपनी पेंसिल को एक भी बार उठाना नहीं है कॉपी पे से. देखिए ये बन गया आपका कर्व. तो इस कर्व से हमारे कौन कौन से लेटर बनेंगे? ए डी जी ओ एंड क्यू. इस कर्व से मतलब ये सर्कल जैसा है ना कर्व आपका. तो इस कर्व से देखिए कौन कौन से कर्व बने, लेटर्स बने हैं ए डी जी ओ एंड क्यू. नेक्स्ट कर्व इज लाइक एल. और हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कर्सिव राइटिंग हमेशा थोड़ी स्लैंटिंग लाइन में होती है. सी मैंने एक भी बार पेन नहीं उठाया अपना. आपको भी आपकी पेंसिल एक भी बार नहीं उठानी है. तो अब इस कर्व से आपके कौन कौन से लेटर बनेंगे? बी एफ एच के P and T. Next curve is like S. Same like S. So, इससे हमारा कर्व क्या बनेगा? इससे सिर्फ एक ही लेटर बनेगा हमारा S. Next curve is like U. हमको अपना पेन या पेंसिल की निप एक भी बार नहीं उठानी है. इस कर्व से हमारे क्या 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 वर्ड्स बन सकते हैं? यू वी डब्ल्यू एंड एक्स. नेक्स्ट कर्व इज लाइक एम. इस कर्व से हमारे क्या क्या लेटर्स बन सकते हैं? एम एंड एन. नेक्स्ट कर्व इज लाइक ई. इस कर्व से हमारे क्या लेटर बनेंगे? ई एंड आई. नेक्स्ट कर्व इज लाइक इस कर्व से हमारे क्या क्या लेटर बनेंगे? सी एंड इससे हमारा डी भी बन सकता है. अब हमने ये सीख लिया है कि कर्सिव राइटिंग स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं, मतलब ये कर्व्स जो दे रखे हैं ये कैसे बनते हैं. अब हम इन कर्व्स की हेल्प से बनाएंगे स्मॉल कर्सिव अल्फाबेट्स. सो फर्स्ट ए अल्फाबेट कौन से कर्व से बना है? सी. ये वाला कर्व जो हमने बनाया था इस कर्व से स्मॉल ए बना है. तो देखिए नेक्स्ट बी लेटर हमारा किस कर्व से बना है? सी. इस कर्व से हमारा बी लेटर बनेगा बी. नेक्स्ट सी. नेक्स्ट सी. डी ई एफ
ये सारे मैंने आपको कर्व सिखाए हैं, उन्हीं कर्व से मैं लेटर बना रही हूँ। अब ये जितने भी मैंने कर्सिव अल्फाबेट्स लिखे हैं स्मॉल, ये सारे कर्सिव अल्फाबेट्स किससे बने हैं? इन कर्सिव राइटिंग स्ट्रोक्स से। सो अगर आप ये कर्व सीख लेंगे तो आपको स्मॉल कर्सिव अल्फाबेट्स इजी लगेगा। राइट इट टू टाइम्स इन योर इंग्लिश नोटबुक।